झारखंड ही पहली बार आई हूँ जी। बिहार तो बहुत आना हुआ, पटना बहुत आना हुआ, और सच्ची बात यह है कि जब झारखंड का जिक्र आता है, बात आती है, तो हम लोग सिर्फ बोकारो, धनबाद, रांची, बस यही सब सुने हैं। तो ये तो एक हमारी आंखें खुली हैं कि ये भी कोई जगह है। और ये जो मंदिर का परिसर, खासतौर पे जो भद्रकाली का जो परिसर है माँ का, और इस मंदिर के बारे में फिर मैंने पढ़ा, गूगल किया सब, तो मुझे पता चला कि कैसे 9000 साल प्राचीन ये मंदिर है। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, और मैं बहुत हैरान हूँ कि इतनी, मुझे लगा कि इतनी छोटी जगह पे इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे संपन्न हो सकता है। लेकिन मैं बधाई देना चाहती हूँ यहाँ के सारे प्रशासन को, हर एक उस अधिकारी को जिसने, जिसकी मेहनत से ये कार्यक्रम संभव हो पाया। हाँ, क्यों नहीं आना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक युवाओं की बात है, जो हमारे युवा है ना, वो अभी थोड़े गजल से दूर हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मैं बहुत आशावादी हूँ, शुरू से बहुत आशावादी रही हूँ, और मैं ये सोचती हूँ कि हमें गजल युवाओं तक पहुँचानी है। हम पहुँचाएंगे, उन तक पहुँचेगी, फिर हो सकता है कि उन्हें पसंद आए और आगे चल के वो और गजल सुनना चाहें। क्योंकि आजकल जरा बॉलीवुड वगैरह का फैशन है ना, तो जरा चलते हुए गाने युवा सुनना चाहते हैं, जिसपे वो डांस कर सके। और जी, वो शबीना अदीब एक बहुत अच्छी शायरा हैं जी, उनकी गजल है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तो अच्छी बात है अगर ये गजल इतनी पॉपुलर है, और अगर लोग सुन रहे हैं और आपको भी याद है, मुझे बड़ी खुशी हुई जानकर। तो अगली बार जब भी बुलाएंगे हम, जितने प्यार से इस बार बुलाया है और इतना सम्मान मिला है डीसी साहब ने और सब ने, मुमताज साहब ने बहुत इज्जत हमें दी है, बहुत अच्छा लगा। और जब भी बुलाएंगे हम जरूर हाजिर हो जाएंगे।